नाम क्या था? हिमांशु, हिमांशु हिमांशु सिंह। चंडालिया, चंडालिया मतलब ये कोई बड़े योद्धा थे क्या? नहीं। 2-2.5 करोड़ का नुकसान हो गया कोई भी भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं अपने शोल्डर की एक्सरसाइज, जिसमें आज हम शोल्डर की 4 ऐसी यूनिक एक्सरसाइज करेंगे जिसे आपके डेल्ट्स और ट्रैप दोनों पे ही इफेक्ट पड़ेगा। तो भैया आज लेट आएंगे तो मैंने फ़ोन पे उनसे एक्सरसाइज पूछ लिया। तो रेडी होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो पहले करते हैं शोल्डर की स्ट्रेचिंग अच्छे से एक बार, फिर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेचिंग होगी हमारी कंप्लीट। अब सबसे पहले स्ट्रेचिंग के बाद हम पैरेलल बार डिप्स लगाएंगे शोल्डर के लिए। पैरेलल बार डिप्स कई बंदों को पता ही नहीं होता कि शोल्डर के लिए भी होता है, और वो पैरेलल बार डिप्स हम चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स इन तीनों में लगा सकते हैं, बट तरीके अलग अलग होते हैं। तो मैं अभी शोल्डर के लगाऊंगा और आप देखना किस तरीके से लगा रहा हूँ मैं। चार सेट कंप्लीट हो गए हमारे पैरेलल बार डिप्स के। अब जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है बारबेल प्रेस। इसके 4 सेट लगाएंगे और लास्ट का 1 सेट ड्रॉप सेट लगाएंगे। फर्स्ट सेट लगाते हैं। थर्ड सेट है ये। सेकेंड सेट में 10 रैप ही निकले थे और आज थोड़ी तबीयत सी डाउन है, तो थर्ड सेट भी इसी वेट से मारेंगे। फोर्थ सेट में हम वेट बढ़ाएंगे। फोर्थ सेट है ये। अब लगाते हैं चौथा सेट। आखिरी चौथे सेट के बाद एक ड्रॉप सेट लगाएंगे। चार सेट कंप्लीट हो गए इसके। आखिरी का एक ड्रॉप सेट था जिसमें हमने 15 रैप निकाले हैं और शोल्डर में बारबेल प्रेस की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होती है। ये आपकी और एक्सरसाइज की स्ट्रेंथ बिल्ड करने में मदद करती है। हाँ, जैसे आप बेंच प्रेस लगा रहे हो चेस्ट पे, उसमें हेल्प करेगा। और आपकी अगर आपकी शोल्डर प्रेस अच्छी है तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं रिवर्स फ्लाई। मशीन भी लगाएंगे
स्टार्ट करते हैं, पहला सेट लगाते हैं। अब इस चीज का खास ध्यान रखें, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो आप, उसमें पहला, दूसरा और तीसरा सेट वेट को कंट्रोल करके करें और स्लो मूवमेंट। चौथा सेट हैवी लिफ्ट करें, उसमें थोड़ी सपोर्ट भी ले सकते हैं और थोड़ा बहुत अगर आपकी फॉर्म बिगड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेट है उसमें आपकी फॉर्म बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी जाके आपके रिजल्ट आएगा। चार सेट इसके लिए कंप्लीट हो गए। अब ये ड्रॉप सेट है जिसमें आप जितने ज़्यादा रेपिटेशन निकाल सकते हैं उतना बढ़िया आपका ड्रॉप सेट में। रिवर्स फ्लाई कंप्लीट। और अब लगाएंगे हम थर्ड एक्सरसाइज, सिंगल आर्म के साइड रेज लगाएंगे। सिंगल आर्म, ये साइड रेज हमारा सिंगल आर्म। इसमें अपनी बॉडी को आप अपने बॉडी को हल्का सा बैंड करेंगे और जो सारा वेट है आपके शोल्डर से उठेगा, ये तरीका होगा। सेकेंड सेट है ये, तीन सेट कंप्लीट हो गए हमारे। और इसमें आपको हर सेट में वेट बढ़ाना है और लगाते हैं फोर सेट। एक लास्ट ड्रॉप सेट लगाएंगे। कंप्लीट हो गए इसके चार। अब फोर्थ एक्सरसाइज हमारी लास्ट, वो है स्रक्स जो कि डंबल से लगाएंगे हम। बीस से स्टार्ट करा है, इसके सिर्फ चार सेट लगाएंगे।
तीन सेट सरक्स के कंप्लीट हो गए और चौथा भी सेट हम सेम वेट से लगाते हैं, तो चार सेट इसके प्रॉपर कंप्लीट करते हैं। पहले एक लास्ट रह गया, लगाते हैं। चार सेट इसके कंप्लीट भी हो गए और एक्सरसाइज होती है हमारी यहीं पे ख़त्म। तो आज की एक्सरसाइज ये थी शोल्डर की, चार एक्सरसाइज, और हर एक्सरसाइज के एंड में हमने एक ड्रॉप सेट लगाया। तो आई होप शोल्डर की एक्सरसाइज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उससे पहले मेरे दोस्त से मिले। ये है, क्या नाम है तेरा? अच्छा, इसका हिमांशु नाम है इसका। ये मेरा खास दोस्त है। आप इसके बाल देख रहे हो? इसके बाल देख रहे हो आप? वो कुछ इंग्लिश में बोलने चाहते हैं। राकेश जो है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। राकेश इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई सपोर्ट दी राकेश एंड व्हाई इज दी एवरी वीडियो इन अपलोड इन दिस यूट्यूब चैनल। हेलो हेलो, इसमें तो कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो गोपर, ये जरूर डाल बाल देख रहे हो? कोई मूवी याद आई आपको? तारे जमीन पर। अब कुछ कहना चाहोगे इसके हेयर स्टाइल के बारे में? भैया ने पहले ही माफी मांग ली। अपने स्टूडेंट कह रहे हो, अपने जिम का सबसे होनहार और सबसे डेडिकेटेड स्टूडेंट में से एक जिसका नाम आता है वो है हिमांशु। पूरा नाम क्या तेरा? हिमांशु सिंह चंडालिया। मतलब ये कोई बड़े योद्धा थे क्या? नहीं, मतलब जैसे चौहान वंश, मौर्य वंश, ये सारी डायनेस्टी, ये सारे। ओके ब्रो, ओके ओके ओके। खुशी हुई आपसे मिलकर मुझे। अच्छा लगा आपको देख के कि मैं चंडालिया वंश के एक वारिस से बात कर पा रहा हूँ। या फिर ये भी कह सकते हैं वंशज। और अभी चंडालिया वंश के जो अरे भाई कुछ बता देते, उन्होंने मेरे आगे बहुत बड़ा खुलासा करा है। राकेश की आज एक ऐसी चीज पकड़ी गई जो आप सोच नहीं सकते हो, लेकिन बड़ा दुख हुआ मेरे को। कितने का था? कितने का होगा वो? करीबन पूरी बात बताऊंगे मेरे को। अभी अमाउंट बता दो। अभी क्या हुआ, थोड़ी देर पहले मेरे पास चंडालिया वंश के जो ये वंशज है ये आते हैं और बोलते हैं कि ये भैया आपका डायमंड जो ये बटन है, ये सिल्वर प्ले बटन, इसमें हीरे नहीं निकले थे क्या? मैंने कहा नहीं भाई, मेरे को तो नहीं मिले हीरे। कह रहा मैंने एक वीडियो देखी थी, इसमें हीरे निकलते हैं। मैंने कहा भाई राकेश लेके आया था, मुझे लगता है राकेश भाई चंपत कर गया। जो भाई सच है वो सच है। आपका क्या कहना है इसमें हिमांशु जी? अब क्योंकि जिस दिन ये लाया था ना प्ले बटन, उसके अगले दिन राकेश जी बुलेट लेके आए थे। नहीं, मेरा जो मानना है ना, वो मेरा मानना ही है कि मांग लेता कि एक बंदा कह रहा भाई यार भाई मेरे को भी एक दे दो भाई, ले ले यार, एक नहीं तो दो ले ले यार, राजा वर का दिल है तो तीन ले ले। पर भाई जो बोल के चील ले जाती है ना, वो वैसी नहीं ली जाती। एक बार बंदा बोल दे वो ठीक है, और बाकी की बात मेरा दीपक भाई कहेगा। तो भाई 2-2.5 करोड़ का नुकसान हो गया, कोई नहीं भाई, झेल लेंगे ये भी, जाए इतना कुछ झेल लिया लाइफ में, ठीक है भाई। लेकिन राकेश आपको कम से कम ये चीज इन्फॉर्म करनी चाहिए थी मुझे। राकेश कह रहा है पत्थर थे, मैंने फेंक दिए, गलत करा आपने। अब एंड ऑफ द स्टोरी, ये सब काल्पनिक बातें थी ना, उसमें हीरा आता ना कुछ आता, सिर्फ प्ले बटन आता, ठीक है भाई। अब तो राकेश, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे। देख रहा काल्पनिक बातें बता दी।